Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. और मैंने 10th को promise करा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूंगी, बट थोड़ा सा डिले हो गया. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे भी अभी फाइनल्स एग्जाम्स चल रहे हैं एंड माई लाइफ हैज बिन रियली हेक्टिक रिसेंटली. तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. आई विल जस्ट टेल यू द मेन पॉइंट्स. बेसिकली इन टुडेज़ वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स जो मैंने करी थी अपने बोर्ड एग्जाम्स में, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट और बेटर आ सकता था, मगर वो नहीं आया बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक्स. और जो कि मेरे फील हुई दैट दे हैव टू बी अवॉइडेड फॉर 100%. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डू. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ऑल नाइटर्स आर अ बिग नो ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स. देखो, दिन में यू हैव इनफ टाइम, तो ऑल नाइटर्स पुल करना विल जस्ट वेस्ट योर एनर्जी और आप बहुत थक जाओगे इस चीज़ से. हैव अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल. 6 से 5 घंटे तो सोना ही है, स्पेशली अ डे बिफोर एग्जाम. जैसे कल एग्जाम है और आज पूरी रात नहीं सो रहे हो, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू गाइस कैन मेक. बिकॉज आपकी डेट शीट देखी है मैंने, ऐसा नहीं है कि बहुत कम गैप है पेपर्स के बीच में, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. तो ऑल नाइटर्स पुल करना इज अ द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन मेक, क्योंकि आई टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मैंने इसके बारे में एक और वीडियो अपलोड करी थी पिछले साल अपने पहले बोर्ड के बाद, जो कि आई लिंक इट हियर और हियर जहाँ पे भी आए होता है. एंड आई दैट रूइंड माय फर्स्ट बोर्ड एग्जाम इटसेल्फ. सो आई टेल यू व्हाट, मेरा पहला पेपर था फ्रेंच का, और फ्रेंच के एक दिन पहले क्या हुआ था कि आई वाज रियली नर्वस. मैंने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली थी, मेरे को सब आता था, बट आई वाज स्टिल वेरी वेरी नर्वस. तो एक दिन पहले मैं अराउंड 1-2 बजे सोई थी, एंड आई जस्ट हैड दिस थॉट कि मैं 1 बजे सो रही हूँ तो मैं अराउंड 3-4 बजे उठ जाऊँगी, बिकॉज आई डिड नॉट गिव इम्पॉर्टेंस टू द फैक्ट दैट आई शुड हैव अ वेल रेस्टेड ब्रेन एंड बॉडी बिफोर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम. बट आई जस्ट हैड इन माइंड कि यार मैं कुछ भूल ना जाऊँ, मैं सारा सिलेबस दोबारा से रिवाइज कर लूँगी सुबह उठ के. बट मैं 1 बजे सोई, 3-4 बजे का अलार्म लगाया था मैंने, बट ऑब्वियसली यार आई कुडंट वेक अप, क्योंकि आई वॉज रियली टायर्ड. मैं पूरे दिन पढ़ रही थी, माई ब्रेन वॉज एग्जॉस्टेड. तो मैं अराउंड 6 बजे उठी थी, एंड उस टाइम यू नो कि जब एग्जाम होता है कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता. तो भाई आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, मैं उठते ही पढ़ने लग गई. आई डिडंट इवन वॉश माई फेस, और मतलब माई स्लीप शेड्यूल बहुत गंदा था, मेरे को अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं मिली थी उस दिन. तो उसकी वजह से मैं एग्जाम लिखते लिखते ही मेरा बहुत तेज, आई गॉट अ रियली बैड हेडेक. मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, मेरे को पता है मैंने अपने आप को कैसे मैनेज करा है उस दिन, और हाउ डिड आई गेट माई सेल्फ टू राइट दी एग्जाम. क्योंकि ऐसा होता है जब आपको आंसर्स आते भी हैं, कभी कभी गलत हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आप थके हुए हो, यू डोंट नो व्हाट यू आर राइटिंग, और मतलब मेंटल एग्जॉशन इज रियल इन सच केसेस. तो देखो, आपकी जितनी प्रिपरेशन हो गई एग्जाम से एक दिन पहले, ऑल नाइटर्स पुल बिल्कुल भी मत करना. क्योंकि अगर आप ऑल नाइटर पुल करोगे, 10 बजे आपका पेपर शुरू होगा, 1 बजे तक चलेगा, तो इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन. तो फिर इसमें यू कैन गेट ईजिली एग्जॉस्टेड, और ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है. मेरे साथ हो रखा है और उसके बाद से मैंने कभी नहीं करा, तो फिर मत करना, एकदम भी मत करना. एंड इवन इफ़ यू आर अ नाइट आउल, अगर आप रात को पढ़ने की आदत रखते हो, अच्छे से 5-6 घंटे की नींद लेके ही जानी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए. इनफैक्ट 6 से 7 घंटे, डिपेंड्स ऑन यू आप कितना सोते हो. उसके बाद द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ टू हैव अ प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन. जैसे कि मैंने अभी मेंशन करा कि मेरा फ्रेंच का बोर्ड एग्जाम था, मैं सुबह उठी, मैंने कुछ नहीं करा, आई डोंट वॉश माई फेस, आई डोंट फ्रेशन अप, मैं बस बेड से उठी और टेबल पर पढ़ने बैठ गई. बिकॉज मैं इतना पैनिक कर रही थी उस वक्त, एंड मतलब आई वॉज सो स्कैर्ड कि भाई पहला बोर्ड एग्जाम है, आई डोंट नो कैसे होगा, आई डोंट नो हाउ मच आई स्कोर. तो देखो, हैव अ प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन. आप उठो अच्छे से, यू टेक अ शावर, यू वॉश योर फेस, यू हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद अपना रिविजन करने बैठो, सब काम डाउन करो, ठीक है. डू नॉट पैनिक, क्योंकि देखो पैनिक करते हो ना तो इट जस्ट मेक्स थिंग्स वर्स. जो चीज़ें आपको आती हैं वो भी भूल जाते हो. तो हैव अ प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन. फॉर इंस्टेंस 23rd को आपका बोर्ड एग्जाम है, तो फिर उठो लाइक वॉट एवर टाइम यू वेकिंग अप, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, वॉट एवर टाइम. तो उठे वो, जस्ट टेक अ शावर, हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद पढ़ने बैठो, बिकॉज हैविंग अ फ्रेश माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द एग्जाम डे. सो द थर्ड पॉइंट बींग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और देखो मेरा
फ्रेंच का जो बोर्ड एग्जाम था, इट हैड सच अ डिजास्ट्रस एक्सपीरियंस. यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ यू वॉन्ट. और इतना गंदा एक्सपीरियंस था वो. आई लिटरली मेस्ड अप सो सो मच, नॉट इन द एग्जाम बट एग्जाम से पहले. और मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था. ऑल्दो इट्स गुड दैट मेरी फ्रेंच बहुत स्ट्रांग थी 10th क्लास में. मैंने ये सेकेंड टर्म में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आई गॉट अ गुड स्कोर इन द पेपर. मगर यार इतना गंदा एक्सपीरियंस था ना वो. आई विल टेल यू हाउ. देखो जो मैंने बोला, मेक अ चेकलिस्ट. देखो एग्जाम में जाने से पहले ना कुछ चीज़ें होती हैं. फॉर इंस्टेंस, आपको आपका एडमिट कार्ड, आपका स्कूल का आई कार्ड, आपका ट्रांसपेरेंट पाउच, आपकी ट्रांसपेरेंट बॉटल और मतलब आपकी स्टेशनरी, आपको ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान रखनी पड़ती हैं. ठीक है, तो फिर क्या हुआ था मेरे साथ, आई डिड नॉट मेक अ चेकलिस्ट. मेरा पहला बोर्ड का एक पेपर था, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं सुबह उठते ही पैनिक कर रही थी. और आई डिड नॉट इवन पैक माई बैग अच्छे से. मैंने सब कुछ लास्ट मोमेंट पर ऐसे ही रख लिया था. तो देखो, सबसे पहले तो अपना चेकलिस्ट बनाओ. आप सुबह उठो और अपना बैग जो है एक दिन पहले पैक करके सो. कीप इन योर स्टेशनरी, कीप इन योर एडमिट कार्ड, सुबह बॉटल भी रख लो टाइम से, क्योंकि टाइम से सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपने चेकलिस्ट नहीं बनाई, तो मेरे साथ क्या हुआ था लास्ट टाइम पे, आई फॉरगॉट माय आईडी कार्ड एट होम. तो क्या हुआ था, मैं ना 6-7 बजे स्कूल चली गई थी, बिकॉज हमारी स्कूल से बस जाती थी बोर्ड एग्जाम के लिए. तो फिर मैं अपने आप नहीं जाती थी, आई यूज टू गो बाय दैट बस. तो फिर हमारी स्कूल की बस जाती थी, तो मैं 6-7 बजे स्कूल के लिए गई एंड आई फॉरगॉट माय आईडी कार्ड एट होम. ठीक है, तो मेरी बहन थी घर पे उस टाइम पे, तो आई टोल्ड हर कि आप जल्दी से उसको स्कूल पार्सल करो. तो शी सेंट इट टू स्कूल. वो हो गया, ठीक है, आई गॉट माई आई डी कार्ड. उसके बाद जब हम स्कूल की बस से अपने सेंटर के लिए गए ना, तो सेंटर के जब हम गए तो क्या हुआ कि जो बस होती है उसने हमें सेंटर पर ड्रॉप करा और हम बैग्स तो लेके जाते नहीं हैं. तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपना एक दो बुक्स ली, जिसकी जो मतलब जो मैं रिवाइज कर रही थी हाथ में, और मैं अपना पेंसिल पाउच लेना ही भूल गई अपने बैग से. और फिर वो जो बस थी वो वापस स्कूल चली गई. मतलब मेरा पेंसिल बॉक्स और मेरा एडमिट कार्ड वापस स्कूल चला गया, बिकॉज मैं मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रखा था. वैसे ऐसे पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब बस मैं पढ़े जा रही हूँ. और मेरा और आई वॉज इन सच अ बिग मैस. ओ माई गॉड, मतलब उस टाइम पे आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई टीचर्स हेल्प मी. उन्होंने स्कूल कॉल करा. ये एक चीज़ अच्छी थी कि हमारा स्कूल और सेंटर काफ़ी पास था, तो अच्छे से बस 5-10 मिनट का डिस्टेंस था. तो फिर वो बस स्कूल से वापस आई, मैंने अपना पाउच लिया. एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ना मेरे को अंदर भेज दिया था, क्योंकि हमें 9:45 अराउंड भेज दिया जाता था आई थिंक, या फिर 9:30 पे. तो फिर उस टाइम पे मैं अंदर चली गई. मैं बैठी हुई हूँ, आई एम सो टेंस्ड कि यार क्या हो रहा है यार, ये रिपीटेड इट्स बीन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू से ही फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. एंड व्हाट इज हैपनिंग टू मी, लाइक इट फेल लाइक द वर्ल्ड वाज अगेंस्ट मी दैट डे. मैंने आंसर शीट मिल गई थी, मैंने अपने दोस्तों से एक पेन वगैरह ले लिया था, तो फिर उससे मैंने नाम वगैरह लिखना स्टार्ट करा. तब तक मेरा पाउच आ गया स्कूल से, तो ठीक है, दैट वेंट गुड. और फिर इसलिए इतना क्योटिक था यार वो, ट्रस्ट मी गाइस, यू डू नॉट वांट टू एक्सपीरियंस दैट. तो एक रात पहले अपनी सारी चीज़ें रख लो बैग में, मेक अ चेकलिस्ट, टिक करो सब कुछ, ताकि कुछ भूलो ना एंड यू हैव अ गुड राइटिंग एक्सपीरियंस. देखो एग्जाम का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, जितना आपने पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, बट दैट पीस ऑफ माइंड दैट यू हैव ना के लिखते हुए कि हाँ ठीक है सब कुछ ठीक है, नाउ आई जस्ट नीड टू गिव माई बेस्ट इन राइटिंग द एग्जाम, और जितना मैंने पढ़ा है वो अच्छे से करना है. That is something that matters a lot. All right. So the next point being that preparatory offs. में मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आपने preparatory offs जो 2-3 दिन के होते हैं उसमें क्या करा था आपने. तो I'll tell you. देखो NCERT में से जो भी important चीज़ें थी वो जो मेरी book में already highlighted थी, NCERT से सारे diagrams, जैसे not maths, साइंस में सारे डायग्राम्स प्रैक्टिस करें. एनसीईआरटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि मतलब ऐसा कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से कुछ तो आते ही हैं एग्जाम में, वो रिवाइज करें. एंड साइंस के एग्जाम से एक दिन पहले मैं PYQC कर रही थी, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई थी. मैंने CBSE की साइड से सब कर लिया था, तो मैं बस PYQs कर रही थी, NCERT कर रही थी. और अगर आपके अपने कुछ नोट्स हैं जो आपने बना रखे हैं तो फिर वो करो. और मतलब प्रिपरेटरी ऑफ्स में इतना कन्फ्यूज मत होना, बिकॉज प्रिपरेटरी ऑफ्स में तो पता ही होता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी और किस चीज़ पर ध्यान देना है लास्ट के 2 दिन में. तो प्रिपरेटरी ऑफ्स में बेसिकली वही करो, ज़्यादा अपने आप को कन्फ्यूज मत करना.
All right, so with this, I am coming to the last point, which is to have a nutritious and a heavy breakfast on your board exam day. So, dekho, even though I have told about this in my previous video as well, magar kya hua tha? Dekho, maine aapko bataya tha ki mera French ka paper tha. Dekho, mera French ka paper tha pehla, aur usme maine itni saari galtiyan kari thi, like not in the paper, but jo cheeze maine mess up kari thi na subah, to fir That was literally massive. तो देखो क्या हुआ था आई वोक अप एट 6 o'clock एंड उस टाइम पे आई लाइक एक चीज़ होती है ना when you have your exam कुछ खाने का मन नहीं करता लाइक यू आर सो नर्वस यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग तो फिर माई मॉम मेड मी अ सैंडविच तो मैंने वो खाया और दूध पिया एट अराउंड 6 o'clock माई मॉम टोल्ड मी दैट शी विल मेक समथिंग हैवी फॉर ब्रेकफास्ट बट आई जस्ट डिडंट वांट टू ईट एनीथिंग क्योंकि एग्जाम से पहले ऑब्वियसली मन नहीं करता तो फिर मैंने बस एक सैंडविच खाया एंड आई हैड मिल्क तो 6 बजे के बाद मैं स्कूल चली गई 6 बजे से 10 बजे तक तो मैं स्कूल मतलब जब हम सेंटर गए और फिर 10 बजे से 1 बजे तक तो देखो मैंने 6 बजे ब्रेकफास्ट करा था एंड उसके बाद अराउंड 6-7 घंटे आई डिड नॉट हैव एनीथिंग ऐसे इंस्टेंसेस में ना मतलब फ्रेंच के पेपर के बाद माय मॉम गेव मी ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने मतलब सेंटर पहुंचने के बाद खा लिए थे ताकि आई डोंट फील हंग्री बिकॉज द फैक्ट इज दैट मैंने सुबह का 6 बजे का ब्रेकफास्ट करा था जस्ट आई हैड अ सैंडविच एंड मैंने दूध पिया था एंड उसके बाद इतने लंबे टाइम के लिए आई डिड नॉट ईट एनीथिंग मगर उस टाइम पता नहीं क्या हुआ मेरा सिर दर्द हो गया कि मेरा इतना ज़्यादा तेज सिर दर्द हो गया था ओ गॉड एंड समवेयर आई न्यू कि इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ खा नहीं रखा और मतलब माय ब्रेन माय हेड लाइक सब कुछ ऐसे घूम रहा था यार उस टाइम इट वाज अ टेरिबल टेरिबल एक्सपीरियंस तो देखो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए डायरेक्टली घर से जाते हो फिर तो ठीक है ब्रेकफास्ट करके जाओ मगर अगर आप सुबह स्कूल जा रहे हो हम मैं ना सुबह स्कूल जा रही थी क्योंकि स्कूल में अराउंड 7-8 बजे हवन होता था हर एग्जाम से पहले तो मैं उसमें बैठती थी तो फिर अगर आप सुबह स्कूल जा रहे हो तो हैवी ब्रेकफास्ट करो अपनी पॉकेट में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख लो अपने एग्जाम से पहले खाने के लिए बट और अच्छे से हाइड्रेट होके जाओ हैव अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट एग्जाम में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पेपर देखा कि भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा यू शुड बी वरिंग अबाउट दैट वेल गिविंग योर एग्जाम ऐसे दीज इश्यूज लाइक सिर दर्द हो रहा है आई एम हैविंग फीलिंग्स ऑफ कंकशन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दिस इज द लीस्ट यू शुड बी वरिंग अबाउट वेल गिविंग योर एग्जाम तो गाइज यही है आई विल नॉट टेक मोर ऑफ योर टाइम बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना अच्छे से पढ़ाई करो अच्छे से खाओ अच्छे से सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू योर सेल्फ आपको एग्जाम लिखना है आपको सब करना है डू नॉट पैनिक पैनिक करने से कुछ नहीं होगा इफ एनीथिंग इट विल मेक इट वर्स ठीक है पैनिक मत करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज अगर और कुछ भी आपको पूछना है आई विल रिप्लाई टू ऑल द कॉमेंट्स ऑफ दिस वीडियो सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू guys.